तो है गाइस, दिस इज मिठू एंड यू आर वाचिंग टेक मनी मिठू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे एप्लीकेशन में कैसे आप बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, यानी कि फोन पे एप्लीकेशन में कैसे आप बैंक अकाउंट को जोड़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस देखिए, बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं फोन पे एप्लीकेशन में, उस बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपका फोन में प्रेजेंट अभी होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, तभी आप बैंक अकाउंट को ऐड कर पाएंगे फोन पे एप्लीकेशन में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन को एक बार इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पर आपको साइड में देखिए प्रोफाइल का सेक्शन दिखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। गाइस जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट ऐड है तो गाइस देखिए यहाँ पर आपको शो करेगा, और अगर आपका फोन पे एप्लीकेशन में एक भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन है गाइस, ऐड बैंक अकाउंट, इस ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक बार क्लिक करना है ऐड बैंक अकाउंट पर, और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, जो भी मोबाइल नंबर आपका अभी फोन पे लगा हुआ है, ठीक है, एक नंबर सिम पर, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर ऊपर में शो करेगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपका बहुत सारा आपको बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा है गाइस। तो जो भी बैंक अकाउंट पर आपका, मतलब जो भी बैंक अकाउंट पर आपका, बैंक पर आपका अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से गाइस सिंपली चूज कर लेता हूँ यहाँ से पेटीएम को, क्योंकि गाइस देखिए पेटीएम जो मैं बैंक अकाउंट के यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो गाइस मैं एक और बता दूँ, गाइस देखिए मान लीजिए कि अगर आपका फोन में दो सिम कार्ड है, ठीक है, और दूसरा नंबर वाला जो दो नंबर पर जो सिम कार्ड है उसी नंबर पर आपका बैंक अकाउंट पर लिंक है उस नंबर, तो गाइस एक चीज आपको करना है ना, दो नंबर पर वो सिम नहीं रखना, आपको एक नंबर पर वो सिम रखना, यानी कि जो भी बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपका सिम कार्ड में एक नंबर पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ से पेटीएम, तो पेटीएम पर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। गाइस देखिए पेटीएम पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से मतलब ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है फाइंडिंग अकाउंट लिंक विथ, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख रहा है, यानी कि आपका फाइंड कर रहा है कि देखिए ये मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट ऐड है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद चलिए मैं दिखा देता हूँ इसके बाद क्या होता है। तो गाइस देखिए उसके बाद कुछ इस प्रकार से एक टिक टिक की तरह आ गया है, और यहाँ पर बहुत सारा अकाउंट डिटेल्स आ गया है, ठीक है, यानी कि अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पिन है यूपीआई पिन रिसेट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ से नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो पहले रिसेट मतलब जो था उसी से मैं रहने देता हूँ। लेकिन गाइस अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पर आपको रिसेट पिन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से आपको पिन को जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं डन बटन पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। डन बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ से आपको कट कर लेना है, और कट करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। इस प्रकार से बैंक को ऐड कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर बैंक ऐड हो चुका है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन का यूज कर रहे थे उसी तरह से आपको यूज करना है। तो गाइस आपको आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आपको ऐड वगैरह करना है बैंक अकाउंट को। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब मस्ट टू मस्ट जरूर से कर लीजिए।